वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम 78 के। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के टू मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक बायडुवियन मेथड, एक फैक्टर ट्री मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायडुवियन मेथड प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं 78 के करने हैं। 78 को यहाँ पे लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स जब भी स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं कि नहीं। अगर तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो मुझे कैसे पता है ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? मुझे कैसे पता है नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? क्या रूल होता है चेक करने के लिए डायरेक्टली कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं? जिस नंबर को हमने चेक करना है उस नंबर का लास्ट डिजिट चेक करें। उस नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो उसका क्या मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 78 नंबर है, उसका लास्ट डिजिट जो है 8 है, इनमें से है ना, इसका क्या मतलब है कि नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 3 और यहाँ पर चला गया, हाँ जी 2 के टेबल में 78 आता है 39 टाइम्स। ठीक है, अगर आपको भी डायरेक्टली पता है तो आप लिख लें, नहीं पता तो ये जो है मैं एक मेथड बताती हूँ, इस तरह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप इस तरह कर लें सॉल्व। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा, 2 के टेबल में 6 आता है, आप इसे कट करके 6 बना लें। 2 के टेबल में 6 आता है 3000। ये हमारे पास 7 था जब हमने इसे कट करके 6 बनाया ताकि हम सॉल्व कर सकें, तो इसका जो 1 है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये बन गया 18। 2 के टेबल में 18 आ गया 9000। तो मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ पे 39 आना है, लेकिन अगर आपके पास इससे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर आप इस तरह कटिंग करें, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद बेशक रेज कर दें। पेंसिल से किया इसलिए मैंने भी, ठीक है, या लिखा भी रहने दें, मर्जी आपकी। ओके, फिर हम अगेन यहाँ पर 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो हम यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। रूल के अकॉर्डिंग चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि 39 एक नंबर है तो इसका लास्ट डिजिट जो है 9 में से नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम यहाँ पर 2 नहीं ले सकते। 3 ले सकते हैं तो 3 तो डायरेक्टली यस पता चल रहा है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 39 3 के टेबल में आता है, कैसे? 3 के टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है, इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं समझ आ रही, ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है ना आपको समझ आ रही हो, तो उसके लिए क्या रूल होता है चेक करने के लिए कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? तो ये रूल होता है कि जिस नंबर को आपने चेक करना है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो उस नंबर के डिजिट प्लस कर दें। प्लस करने पर अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 39 एक नंबर है, इसके डिजिट्स प्लस करें। प्लस करने पे क्या आ रहा है हमारे पास? 12 आ रहा है। प्लस किया तो 12 आया, 3 के टेबल में 12 आता है, इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1000, 3 के टेबल में 9 आता है 3000। हम अगेन यहाँ पे 3 ले सकते हैं तो नहीं ले सकते। 3 के टेबल में 13 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 13 नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, इसका क्या मतलब है कि 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल में ही आ रहा होता है और 1 के टेबल में आ रहा होता है, या पैसे कह लें ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और 1 वो नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद। तो हम यहाँ पर 13 ले लेंगे। 13 के टेबल में 13 आता है 1000। हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78 इज़ इक्वल टू, क्या फैक्टर्स आ गए? 2 × 3 × 13। ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टर ट्री मेथड। 78 के करने हैं, 78 को टॉप मोस्ट पे लिख लेंगे। अब देखेंगे कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो कंपोजिट नंबर ये है। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, या आप ऐसे कह लें ऐसा नंबर जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आ रहा होता है। तो ये 1 के टेबल में तो सारे आते हैं, 1 के टेबल में 78 आता है, फिर 2 के टेबल में आता है, फिर ये हमारे पास 3 के टेबल में आ रहा है, फिर ये 6 के टेबल में आ रहा है, फिर ये 13 के टेबल में भी आता है, फिर ये आता है 39 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है, और ये अपने टेबल 78 में भी आ रहा है। तो इसका क्या मतलब, और भी किसी में भी आता हो लेकिन ये 2 से ज़्यादा तो टेबल्स में आ रहा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स तो हैं ना, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, सेपरेट हो सकता है। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। वही रूल है जो मैं आपको इधर बता चुकी हूँ कि जो है हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं, तो वो लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूल देखना पड़ता है। तो यस, रूल के अकॉर्डिंग है ये कि 78 का लास्ट डिजिट जो है 8 है, इनमें से है, तो हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं। 2 के टेबल में 78 जितने टाइम्स आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना, छोटा नंबर इधर और बड़ा इधर। तो 2 के टेबल में 78 कितने टाइम्स आता है? 39 टाइम्स, तो हमने 39 इधर लिखना है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन आ जाना है। 2 प्राइम नंबर है तो सेपरेट नहीं होगा, 39 जो है कंपोजिट नंबर है, कैसे? 1 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, फिर 39 और किसके टेबल में आता है? 13 के टेबल में आता है, फिर अपने टेबल 39 में भी आता है। तो ये कंपोजिट नंबर है, सेपरेट हो जाएगा, हम इसको सेपरेट कर देंगे। 2 तो ले नहीं सकते, यहाँ पे रीज़न बता चुकी थी पहले कि 39 का लास्ट डिजिट जो है 9 है, इनमें से नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। अब 3 के टेबल में 39 कितने टाइम्स आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। 3 के टेबल में 39 आता है 13 टाइम्स, सेंटर मल्टीप्लाई का साइन आ गया। 3 भी प्राइम नंबर है, भी सेपरेट नहीं होगा, 13 भी प्राइम नंबर है, भी सेपरेट नहीं होगा, यहाँ तक एंड हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ
78 इज इक्वल टू 78 के फैक्टर्स क्या आ गए, ये सारे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो हमने जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए बाय डिविजन मेथड तो भी ये तीन फैक्टर्स आए, और जब हमने फैक्टर ट्री मेथड से किए तो भी ये तीन फैक्टर्स आ गए। क्यों? क्योंकि नंबर तो सेम है ना, बस मेथड आपने याद रखना है डिविजन और ये फैक्टर ट्री मेथड है। होप्स आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब आपके पास कोई भी नंबर आ जाता है आप इजीली उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने मेथड याद रखना है ये कौन सा और ये कौन सा। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके कह रहे होते हैं कि हमें एलसीएम फाइंड आउट कर दो और सिर्फ एक नंबर दे रहे होते हैं। तो एक नंबर का कभी भी सिंगल नंबर का एलसीएम फाइंड आउट नहीं होता, हमारे पास हमेशा मोर देन वन नंबर है तो उसका एलसीएम फाइंड आउट होता है। फॉर एग्जांपल 78 है, यहाँ पे और नंबर होता है 80 होता है 85 या कोई भी होता, तो हमने एलसीएम उसका फाइंड आउट कर सकते थे। अकेले 78 के तो जो है प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट होंगे ना। तो अगर 80 फॉर एग्जांपल होता तो हमने क्या करना था, कॉमा यहाँ पे 80 लिखना था, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते जाने थे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करके जो आंसर आना था फिर हमने कहना था कि वो एलसीएम है 78 और 80 का, ठीक है। तो वो एलसीएम होता है सिंगल नंबर की, हमेशा प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट होते हैं, सिंगल नंबर का एलसीएम नहीं फाइंड आउट होता। आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो एलसीएम बाय डिविजन मेथड है जो मैंने आपको बताया, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है, एलसीएम बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड भी होता है, एचसीएफ पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, एलसीएम पे भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, द मास रूल, कन्वर्जन, बोथ मास रूल, सब पे बनाई हुई है, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब पे, ठीक है। तो आप मुझे कह सकते हैं, सर्च कर लें, आपको इजीली मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, या मुझे कह दें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी जो भी वीडियोस आपको जिस टॉपिक पे चाहिए हो। आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।